अच्छा जी, तो अब तक मैं आपको फाइव बेसिक एलिमेंट्स जो अकाउंट्स के हैं वो पढ़ा चुका हूँ। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। देखें, पॉइंट ये है कि फाइव एलिमेंट्स तो पढ़ा दिए, अब वही बात देखें रिकॉर्डिंग का। जब हम आने वाले अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग के फिनोमेना पे, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि जो फाइव हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं इनको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। देखिए, पहले तो ये भी नहीं हमें पता था, अब हमें पता चल गया कि एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी विद दी एग्जांपल्स मैंने आपको क्लासिफाई करके बता भी दिया। ठीक है, अब उससे पहले हमें एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पूरी अकाउंटिंग में जो हम पढ़ रहे होंगे पूरी जिंदगी, अब जो भी अकाउंट आप पढ़ेंगे या आगे पढ़ेंगे, वो शुरुआत ही उसकी ट्रांजेक्शन से होती है। ट्रांजेक्शन इटसेल्फ क्या होती है वो जरा हम पढ़ लेते हैं। वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पार्टीज इज कॉल्ड अ ट्रांजेक्शन। द वैल्यू मस्ट सेटिस्फाई एवरी पार्टी। यानी कि मैं आपके पास आया हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई कंप्यूटर खरीदने या लैपटॉप खरीदने आया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, मैंने आपसे लैपटॉप खरीदा। ठीक है, मैंने आपसे लैपटॉप लिया, इन रिटर्न आपको कुछ सर्टेन अमाउंट पे किया, फॉर सपोज 1,40,000। ठीक है, तो ये जो 1,40,000 है ये आपको सेटिस्फाई हो, इससे आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली जो मैं आपसे लैपटॉप लेके जा रहा हूँ उससे मुझे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, सो तभी एक सक्सेसफुल बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगी। ठीक है, कब कहलाएगी? व्हेन द वैल्यू सेटिस्फाई एवरी पार्टी। ठीक है, देखिए वैल्यू का मतलब ये, इट इज एन एक्सचेंज बेसिकली ना, ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन में एक्सचेंज का मतलब ये कि आप एक चीज लेंगे एक चीज देंगे। इस एग्जांपल में मैंने एक लैपटॉप बाय किया, मैंने पैसे दिए, लैपटॉप बाय किया। सिमिलरली जो बिजनेस वाला है, जो बिजनेस कर रहा है लैपटॉप का, उसके पास से लैपटॉप गया और उसके पास पैसे आए। सही है, सो दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। अच्छा, बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम क्लासिफाई किस तरह करते हैं? इसकी तीन क्लासिफिकेशंस बनती हैं। नंबर वन कैश ट्रांजेक्शन, नंबर टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नंबर थ्री कैश कम क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, देखिए एज द नेम सजेस्ट कैश ट्रांजेक्शन का मकसद क्या है? कैश ट्रांजेक्शन का मकसद मकसद ये है विच इन्वॉल्व कैश, कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, यानी कि जो भी चीज आपकी पैसों की फॉर्म में हो रही होगी, यानी कि इधर आपने कोई चीज बेची उधर आपने पैसे वसूल कर लिए, तो दैट विल बी कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। सही है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मकसद क्या हो सकता है? ऑल ट्रांजेक्शन विच क्रिएट लायबिलिटी और अकाउंट रिसीवेबल। देखें वही बात, अब यहाँ पे अब आपको थोड़ी सी टर्म रिपीट होती रहेंगी ताकि आपको रीइन्फोर्स हो जाए मामला के है क्या। All transactions which create liability or account receivable called credit transactions. ठीक है, यानी कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें जो है उधार इन्वॉल्व है, आपने कोई चीज बेची पैसे नहीं लिए, तो इसका मकसद ये, इट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सही है, कुछ ट्रांजेक्शन हो सकती है इनका कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बो, कैश कम क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसका मकसद ये है कि आपने फॉर एग्जाम्पल कोई चीज बहुत बड़ी अमाउंट की थी, 2,50,000 रुपए का कोई फर्नीचर सेट आपने बेच दिया। अब हुआ ये, बंदे के पास सिर्फ 1,50,000 रुपए कैश था, या लेट सपोज 2,00,000 रुपए कैश था, तो उसने क्या किया, आपसे 2,50,000 का पूरा फर्नीचर सेट तो खरीद लिया, आपको एट द स्पॉट, ऑन द स्पॉट आपको 2,00,000 रुपए पे कर दिए। लेकिन उसने कहा कि भाई 2,00,000 रुपए ही है, 50,000 रुपए मैं कल परसों तक आके फॉरन पे कर दूंगा। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन में देखें क्या हुआ, इस ट्रांजेक्शन में हुआ ये कि कैश कम क्रेडिट का मकसद ये है कि कैश भी इन्वॉल्व रहा, यानी कि 2,00,000 रुपए उसने कैश तो पे कर दिया, लेकिन 50,000 रुपए का एक अकाउंट्स पेबल समझ लें आप या नोट पेबल समझ लें, वो भी अराइज हो गया। ठीक है, तो ये बताने का मकसद, बताने का मकसद ये था कि ट्रांजेक्शन को हम तीन फॉर्म्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, कैश ट्रांजेक्शन यानी कि पैसा इन्वॉल्व होना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ट्रूली उधार पे होना, सही है, या कैश कम क्रेडिट, ये कि इंग्लिश का वर्ड बेसिकली कम, यानी कि इसका मकसद होता है, इसका मकसद होता है विद। ठीक है, यानी कैश के साथ साथ क्रेडिट का इन्वॉल्व होना किसी भी ट्रांजेक्शन में। ठीक है, सो दैट विल बी कॉल्ड ट्रांजेक्शन व्हिच इन्वॉल्व सम पार्ट ऑफ कैश एंड सम पार्ट ऑफ क्रेडिट आर कॉल्ड कैश कम क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो मैंने आपको बता दी बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए मैं बड़ा स्ट्रीम लाइन करके चल रहा हूँ, पहले मैंने आपको अकाउंट के बिल्कुल डेफिनेशन से लेकर प्रिंसिपल्स पढ़ा दिए, अभी मैंने फाइव एलिमेंट्स भी आपको पढ़ा दिए, फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन बता दिया। पॉइंट यहाँ पे ये यह है कि हमें आना है ग्रेजुअली स्लोली विद प्रोग्रेस, हमें आना है रिकॉर्डिंग पे। ठीक है, अकाउंट्स में जो मेन चीज है वो है ही रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड एनालाइजिंग, हम अभी तक उस चीज पे नहीं आए। ठीक है, क्योंकि पूरा डीप बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी होता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन भी मैंने आपको बता दी, चाहिए। अब आ जाते हैं अकाउंट्स का जो बेसिक कहते हैं ना बुनियाद, उसके फाउंडेशन ऑफ एन अकाउंट, रूल्स, वो ऐसे रूल्स जिनकी बेसिस पे रिकॉर्डिंग होती है। सो वो रूल्स क्या कहलाते हैं? दीज रूल्स आर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, देर आर मेनी थिंग्स के, देखें कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो डेबिट के कुछ और मायने बताएंगे, क्रेडिट के कुछ और मायने बताएंगे, लेकिन इन प्योर अकाउंट्स
इट इज वेरी सिंपल। डेबिट का मकसद होता है एन अकाउंट रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड अ डेबिट, एन अकाउंट रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड अ क्रेडिट। ठीक है, अच्छा ये वही बात, जब हम इसको इंशाल्लाह फर्दर सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे जनरल जनरल स्पेशली, तो आपको ये बात समझ में आती रहेगी। अच्छा, जो अब इसकी रेलेवेंस है विद फाइव बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट जो हमने शुरुआत में यहाँ पे पढ़े थे, ठीक है, इनको रिकॉर्ड करने का मेथड जो कहलाता है वो कहलाता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, यानी कि जो भी अकाउंट्स के एलिमेंट्स हैं, चाहे वो एसेट्स हो, एक्सपेंसेस हो, लायबिलिटीज हो, रेवेन्यू हो, ऑनर्स इक्विटी हो, ये फाइनली रिकॉर्ड कैसे होगा, तो ये पता कैसे चलेगा आपको, ये पता ऐसे चलेगा आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से। ठीक है, अब जैसे अब आप यहाँ देखें, डेबिट इज ऑन द लेफ्ट साइड, क्रेडिट इज ऑन द राइट साइड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है एन अकाउंट रिकॉर्ड इज ऑन द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड अ क्रेडिट अकाउंट। सही है, तो ये इस बात को आपने याद रखना है कि डेबिट एंड क्रेडिट का और कोई मायने नहीं होते सिवाय इस मायने के द डेबिट इज कॉल्ड लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड द क्रेडिट इज कॉल्ड राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है जी, तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि डेबिट एंड क्रेडिट का कोई और मीनिंग नहीं है सिवाय इस चीज के डेबिट इज कॉल्ड लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जैसे मैंने पहले कहा, ये अप्लाई होंगे ऑन द फाइव बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स जो मैंने आपको पहले बताए, जिनमें एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटीज एंड रेवेन्यू आता है। ठीक है, अब रिकॉर्ड होंगे कैसे, ये देखें, ये चीज याद रखने वाली है, समझने वाली भी है और याद रखने वाली भी है। ठीक है, जब भी एसेट में इंक्रीज आएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपका कैश 1 लाख से बढ़ गया, so it will be recorded as a debit, ठीक है, and asset decrease, यानी कि इसका रिवर्स कर लें आप, जब भी किसी एसेट में कमी वाकया होगी तो that will be recorded as a credit, ठीक है, यानी कि अब आपके बिजनेस से आपने किसी बंदे को, किसी सप्लायर को कैश पे कर दिया, ठीक है, तो बिजनेस से कैश चला गया, सही है, तो जब कैश चला गया तो इट मीन्स वो कम हो गया, यानी कि एसेट डिक्रीज हो गया, और मैंने जैसे पहले बताया था, अब देखिए यहाँ पे अब आपको उस चीज के रेलेवेंस समझ में आने लगेगी जो मैंने एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स में आपको एग्जाम्पल्स दी थी कि एसेट होते क्या क्या है और किसके नाम से पुकारे जाते हैं। तो अब मैं जब भी कैश का नाम लूंगा आपके जहन में हमेशा एसेट आएगा, मैं यूटिलिटी एक्सपेंस का नाम लूंगा आपके जहन में एक्सपेंस आएगा। ठीक है, मैं लेट सपोज मैं अकाउंट पेएबल का नाम लूंगा तो आपके जहन में सबसे पहले लायबिलिटी आएगी। ठीक है, मैं सेल्स की बात करूंगा तो आपके जहन में रेवेन्यू आना चाहिए। ठीक है, मैं कैपिटल की बात करूंगा, फॉर एग्जाम्पल ऑनर इन्वेस्टेड 5 million rupees इन द बिजनेस, तो आपके जहन में ऑनर्स की इक्विटी आना चाहिए। सही है, तो आप एग्जाम्पल्स को आपने गो थ्रू लाजमी करना है ताकि जब भी इस तरह की ट्रांजेक्शन में बात हो, जब भी हमारे पास कभी भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, हमारे पास जो चीजें आती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन आती हैं, हमें उसे इन्फर करना होता है कि इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट शामिल हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज क्या शामिल है और उनको रिकॉर्ड किस तरह करना है। ठीक है, सो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन विद द फाइनेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट एंड विद द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब आ जाते हैं, व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए सैलरी एक्सपेंस पे किया, ठीक है, सो दैट विल बी कॉल्ड सैलरी एक्सपेंस, यानी कि यहां पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। एक्सपेंस में कमी वाकया हो गई तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, इंशाल्लाह फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। व्हेन लायबिलिटीज डिक्रीज, लायबिलिटी में कमी वाकया होगी तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ रिवर्स केस है, एसेट्स और एक्सपेंसेस के केस में अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं या एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो दे आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि डेबिट साइड, और जब उनमें कमी वाकया हो रही है, व्हेन दे आर डिक्रीजिंग, सो देन दे आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, तो इस बात को हमने हमेशा याद रखना है। ठीक है, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है कि एसेट और एक्सपेंसेस के केस में डेबिट साइड पे जब रिकॉर्ड होगा जब दे बोथ आर गोइंग टू बी इंक्रीजिंग। ठीक है, इनका जब ट्रेंड इंक्रीजिंग होगा, जब भी इंक्रीज होंगे तो दे विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, और जब एसेट और एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे सो दे विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। बाकी जो हेड ऑफ अकाउंट जो रिमेनिंग है, चाहे वो लायबिलिटी हो, रेवेन्यू हो और ऑनर्स इक्विटी हो, इनके केस में चीज डिफरेंट है। जब भी लायबिलिटी में कमी वाकया होगी इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, लेकिन जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। इसकी एग्जाम्पल सिंपल ऐसे ले लें कि आपने कोई चीज उधार पे बेची है और वो उधार है जबानी कलामी वाला, कोई रिटर्न फॉर्म नहीं है, इट मीन्स अकाउंट पेएबल अराइज हो रहा है। ठीक है, सही है, तो ट्रांजेक्शन
सिंपल ऐसे बनेगी कि फॉर एग्जाम्पल यू सोल्ड अ मोबाइल फोन ऑन क्रेडिट, आपने कोई मोबाइल फोन, आपकी मोबाइल फोन की शॉप थी, आपने उधार पे बेचा, ठीक है? तो यहाँ पे दो चीजें हुई, आपके पास से चीज भी चली गई, ठीक है, और अभी आपके पास पैसे भी नहीं आए, सही है? तो यहाँ पे दो चीजें क्या हुई कि आपकी जो चीज चली गई, पैसे भी नहीं आए, तो इसका मकसद ये हुआ कि अब आपको पैसे वसूल करने हैं। तो पैसे वसूल करने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, सही है? तो अकाउंट्स पेबल की अगर हम यहाँ रेलिवेंट लाएं तो अकाउंट पेबल इज अ लायबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे लायबिलिटी के फॉर्म में वो आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको आप डुअल पर्सपेक्टिव देखें, हमेशा मैंने जैसे पहले कहा था हर चीज का डुअल पर्सपेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज मोबाइल बेचा है, अब आपको पैसे बंदे से लेने हैं, तो इट विल बी कॉल्ड अकाउंट रिसिवेबल, तो ये कहलाएगा एसेट, अब आप उसको यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंज्यूमर वो कहलाएगा उस बंदे की लायबिलिटी, क्योंकि उस बंदे ने मोबाइल तो ले लिया लेकिन आपको अभी पैसे पे नहीं किए, ठीक है, पैसे पे करने हैं। तो जब भी आपको कोई चीज पे करनी होती है तो इट विल बी कैटेगराइज एज अ लायबिलिटी, सही है? लेकिन वही बात, आपको पैसे वसूल करने होंगे, जैसे मैंने पहले कहा करंट एसेट में, जैसे मैंने आपको समझाया था अकाउंट रिसीवेबल, तो वो था एक एसेट, तो जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, और जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। लेकिन दीज आर द रूल्स, और ये इंश्योरेंस को जब भी कंफर्म होते हैं, जब भी पक्के होते हैं, जब वो प्रैक्टिस करता है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस वो होगी हमारे जनरल जनरल से, जो इंशाल्लाह इन तमाम इस शुरुआत के लेक्चर्स के बाद हम फौरन शुरू करेंगे। अब आ जाए रेवेन्यूज पे, देखें रेवेन्यूज भी जब इंक्रीज होंगे तो दे विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है? यानी कि आपने सेल्स कर दी, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज की सेल्स कर दी, तो सेल्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है, और उनमें अगर डिक्रीज आ गया तो दे विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। सिमिलरली ऑनर ने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए दोबारा से, ठीक है, या एस्टैब्लिश किया बिजनेस 10 लाख से, या और बिजनेस में पैसे इन्वॉल्व कर दिए, will be called owner's increase in the owner's equity. So, जब भी owner's equity में increase आएगा, तो it will be recorded on the credit side. सही है? और अगर उसमें कमी वाकया होगी, और ये वही बात, जैसे मैंने आपको drawing account बताया था कि owner ने अपने business में से पैसे निकाल लिए, तो निकाल लेने का मकसद ये है कि भाई business के पैसों में और business के ownership में कमी वाकया हो गई, तो that will be recorded as on the debit side. जब भी owner's equity में कमी आएगी. So, we are summarizing this thing. डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब यह है कि डेबिट मींस द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, क्रेडिट मींस द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। ये रेलेवेंट है विद द फाइनेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि पांच थे हमारे, कौन कौन से, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड ओनर्स इक्विटी। इन पांच एलिमेंट ऑफ अकाउंट को कौन से रूल्स के तहत हम रिकॉर्ड करते हैं, तो वो रूल्स कहलाते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। और ये सिंपल इज दैट, ये हमें समझना भी है, याद भी करना है, समझ ऐसे आएगा जब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एसेट इंक्रीज होगा डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज होगा डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट। सिमिलरली लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, जब डिक्रीज होगी तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, सही। रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। देखें ये अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत रिडंडेंस हो रही है, मैं बताना चाह रहा हूँ वही बात, अगेन इंशाल्लाह प्रैक्टिस होगी सब समझ में आ जाएगा। टर्म्स यूज फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। देखें टर्म्स का मकसद ये है, अक्सर शॉर्ट टर्म्स में अकाउंट्स के रजिस्टर्स में या सॉफ्टवेयर में बात हो रही होती है, अब लोग परेशान हो जाएंगे भाई इन टर्म का मकसद क्या है, तो ये फिर भी एक्सप्लेन किए गए। कहीं भी डी आर लिखा हुआ आपको नजर आया किसी भी चीज के आगे, इट मीन्स इट इज अ डेबिट रिकॉर्ड, ठीक है, डी आर स्टैंड्स फॉर डेबिट रिकॉर्ड। Similarly, CR means it is a credit record, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा relate करें, जब liabilities increase होंगी, तो obviously वो credit side पर record होंगी, तो वो कैसे उसको categorize कैसे किया जाएगा? As a CR, यानी कि credit record, सही है? Similarly, जब assets में increase आएगा, so they are recorded on the debit side, तो assets के साथ क्या हम लिख सकते हैं? ER, which means a debit record, ठीक है? बिजनेस ट्रांजैक्शन से लेकर फाइनेंशियल एलिमेंट ऑफ अकाउंट से लेकर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तक, ये सब कुछ मैंने आपको बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करी, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम जा रहे हैं उस मेन फिनोमेना पे, अब देखें अब हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अब हम वो रिकॉर्डिंग वाले फेज पे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, देखें देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं इंशाल्लाह फिर समझ में आएगा। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट्स, ठीक है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, टू फोल्ड इफेक्ट्स। इट मे बी दैट बोथ इफेक्ट्स आर इंक्रीजिंग,
सही है, या तो दोनों इफेक्ट्स इंक्रीजिंग जा रहे होंगे, इंक्रीजिंग की तरफ होंगे, बोथ आर डिक्रीजिंग, दोनों कम हो रहे होंगे, या एक इंक्रीज हो रहा होगा तो दूसरा डिक्रीज हो रहा होगा. बट इट इज नेसेसरी दैट वन इज ऑन द डेबिट साइड एंड अनदर इज ऑन द क्रेडिट साइड. दिस यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग सिस्टम इज नोन एज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम. ठीक है, देखिए ये तो था रूल. फाइनेंशियल एलिमेंट्स के बाद ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है, अब उन रूल्स के लिए हम रिकॉर्डिंग किस तरह करते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग कहलाती है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम. ठीक है, अब मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन ऐसे करूंगा कि देखें यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि द यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग सिस्टम इज नोन एज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम. ठीक है, एंड इट इज नेसेसरी. देखिए इस पूरे अकाउंटिंग के, डबल एंट्री अकाउंटिंग के सिस्टम में जो मेन चीज है वो ये है, इट इज नेसेसरी दैट वन इज ऑन द डेबिट साइड एंड अनदर इज ऑन द क्रेडिट साइड. जो भी अकाउंट बनाएगा, जो भी अकाउंटिंग करेगा, चाहे कोई ट्रेंड इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, कुछ भी हो, हमेशा ये रूल है कि वन थिंग या जो भी ट्रांजेक्शन के जितने भी एलिमेंट हैं, क्रेडिट साइड मस्ट बी इक्वल टू द डेबिट साइड. ठीक है, यानी कि अगर डेबिट पे कोई चीज रिकॉर्ड होगी तो दूसरी चीज इवेंचुअली क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो रही होगी, चाहे वो इंक्रीज कोई दोनों चीजों में इंक्रीज आ रहा हो या दोनों चीजों में डिक्रीज आ रहा हो. जैसे यहाँ पे मेंशन है, द मे बी दैट बोथ इफेक्ट्स आर इंक्रीजिंग, या तो दोनों चीजों में इंक्रीज आ रहा होगा, भले इंक्रीजिंग ट्रेंड हो, डिक्रीजिंग ट्रेंड हो, ठीक है, या किसी चीज में इजाफा या कमी साथ आ रही हो, हमेशा वो रिकॉर्ड, एक चीज रिकॉर्ड होगी डेबिट साइड पे तो दूसरी चीज रिकॉर्ड होगी क्रेडिट साइड पे. दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम. देखिए इसको सिर्फ 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 और सिर्फ सिंपल फॉर्म में हम जस्ट एज एन एग्जाम्पल ही समझ सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है इसको समझने. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, एक थोड़ा सा, एक छोटा सा एक एक्टिविटी है, यहाँ पे आपको इस तरह समझ आएगा. ठीक है, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी. अगर आप गौर करें यहाँ पे, जैसे मैंने पहले कहा था, दे मे बी दैट बोथ इफेक्ट्स आर इंक्रीजिंग. अगर आप यहाँ गौर करें, दोनों इफेक्ट्स में इंक्रीजिंग आ रहा है. एक इफेक्ट आ रहा है एसेट पे, जिसमें एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक इफेक्ट आ रहा है लायबिलिटी पे, जिसमें लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है. पॉइंट ये है, यूनिवर्सल रूल क्या कहता है कि अगर कुछ भी करो, आसमान टूटे, जमीन फटे, कुछ भी हो, वन विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड वन विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. कैसे, अभी आपको समझ आएगा. लिखा हुआ है परचेज इक्विपमेंट, ये इसकी एग्जाम्पल दी हुई है बेसिकली, परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट या और ऑन क्रेडिट. ठीक है, देखें अब आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था. ठीक है, परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, उधार पे एक बिजनेस ने एक एसेट खरीदा. देखिए इक्विपमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फिक्स्ड एसेट्स में आ रहा था, यानी कि एसेट की टाइप में आ रहा था. अब इसको मैं यहाँ से आपको रेलिवेंट इसकी बनाऊंगा. परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, इंक्रीज इन एसेट आप कह सकते हैं. ठीक है, इंक्रीज इन एसेट का मकसद ये है कि आपके बिजनेस में एसेट आया तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. ओके, एक बात तो लॉक हो गई. दूसरा इफेक्ट क्या है, ऑन अकाउंट, क्या कैश पे हो रहा है? नहीं. ठीक है, विच मीन्स कि कोई ना कोई और चीज इन्वॉल्व हो रही है. जैसे मैंने पहले बताया था कि ऑन अकाउंट कहें या ऑन क्रेडिट कहें, एक ही बात होती है, यानी कि उधार पे आपने एक बिजनेस का इक्विपमेंट खरीदा है. इक्विपमेंट इटसेल्फ तो एसेट है, लेकिन क्या उसके लिए आपने कैश पे किया? नहीं. तो एसेट में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अभी आपने पैसे पे नहीं किए, तो उसका रीजन क्या होगा? इंक्रीज इन द लायबिलिटी. यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ऑन अकाउंट है, अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आपने कोई साइन करके टर्म्स एंड कंडीशन पे किया है, तो लेट सपोज आपने अकाउंट्स पेबल के फॉर्म में लिया है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन नहीं हो रहा, सिर्फ एक चीज लिखी हुई है ऑन अकाउंट, कोई टर्म मेंशन नहीं, कंडीशन मेंशन नहीं, रिटन एग्रीमेंट मेंशन नहीं. इट मींस कि ये नोट्स पेएबल तो नहीं हो सकता, अकाउंट्स पेएबल ही होगा. सही है, अब आपको देखिए रेलेवेंट बनानी आनी है. जो मैंने ऊपर फाइनेंशियल एलिमेंट्स की एग्जाम्पल दी थी, वो आपको बिल्कुल लॉक होनी चाहिए माइंड में. ठीक है, तो पॉइंट इज, जैसे यहाँ पे पहले था कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या बोलता है कि चाहे दो इफेक्ट इंक्रीज हो, चाहे दोनों डिफेक्ट जो दोनों इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो, एक इंक्रीज हो तो दूसरा डिक्रीज हो, लेकिन द रूल इज वेरी सिंपल दैट वन विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट एंड अनदर विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट. ठीक है, यहाँ से मैंने आपको जस्टिफाई भी करके बता दिया इस चीज को. सेकंड एग्जांपल को भी देख लेते हैं जरा, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी. ठीक है, अब गौर करें जरा, पहली एग्जाम्पल थी इंक्रीजिंग की, बोथ आर इंक्रीजिंग. दूसरी एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ, बोथ आर डिक्रीजिंग, दोनों इफेक्ट डिक्रीजिंग इफेक्ट है. ठीक है,
यानी कि अब इसकी एग्जांपल देखें क्या है, पेड कैश टू द क्रेडिटर। देखें क्रेडिटर इन टर्म, अगर इंग्लिश की भी बात करें या इन जनरल बात करें, क्रेडिटर का मतलब है वो इंसान जिसने आपको उधार पे कोई चीज दे दी थी, ठीक है, अब आपको उसके पैसे वापस करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वही बात है, आपने किसी बंदे से कोई भी चीज थी, आपने उस बंदे को दे दी कि चलो ले जाओ पैसे बाद में दे देना, इन दिस केस यू आर द क्रेडिटर, ये भाई अभी आपको पैसे वापस मिलने हैं, ठीक है, आपने पैसे वसूल करने हैं वापस, ठीक है। अब अगर यहाँ देखें पेड कैश टू द क्रेडिटर, अब इस बात को जरा समझिए, कैश मैंने पहले जैसे बताया कैश इज एन एसेट, ठीक है, तो पेड कैश, देखें अब इस बात को जरा रेलेवेंस बनाइएगा दिमाग में कि पेड कैश का मकसद ये कि अपने बिजनेस में से पैसा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हेन एसेट डिक्रीजेस, चलें क्रेडिट साइड पे एक चीज रिकॉर्ड हो गई, पेड कैश यानी कि पैसा बिजनेस से चला गया, सही है, व्हेन एसेट डिक्रीजेस, क्योंकि कैश जो है वो एसेट है, एसेट में कमी वाक्य हुई है, तो एसेट विल बी रिकॉर्ड, दिस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। किसको पे किया है, टू द क्रेडिटर, यानी कि उससे कभी आपने उधार लिया होगा कोई चीज तो पे कर रहे हैं ना, कोई खुशफहमी में या फीस अभी लल्ला नेकी कमाने के लिए तो किसी को आप रिफंड में तो कोई चीज नहीं दे रहे ना, पॉइंट इज क्रेडिटर का जब भी टर्म यूज होगा तो इट मीन्स कि कभी कोई कुछ जमाने पहले, एक महीना दो महीना पहले या कुछ दिनों पहले आपने कोई चीज उधार पे ली थी, उसके बदले में आप आज कैश पे कर रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे इसको इफेक्ट कहाँ ढूंढ सकते हैं हम, यहाँ देखें जरा, When liabilities decrease, अब आपको शायद थोड़ी रेलेवेंस और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपने किसी क्रेडिटर से उधार पे कोई चीज ली थी, सही है, कोई भी एक्सपेंसिव, कोई भी गुड सर्विस, कुछ भी था, अब आपने उसको पैसे पे किए, तो यहाँ पे दो इफेक्ट हुए हैं, दोनों डिक्रीजिंग इफेक्ट हैं, कैसे, पेड कैश टू द क्रेडिटर यानी कि कैश बिजनेस से गया, कैश इज एन एसेट तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। क्यों दिया, किसको दिया, टू द क्रेडिटर, से कभी किसी जमाने में उधार कोई चीज ली होगी तो पे कर रहे हैं, पे करने का मकसद ये, अब अपनी जान छुड़ा रहे हैं, आप किसी चीज को लिए पे ऑफ कर रहे हैं जो आपने पहले ले ली थी, आप उसके पैसे नहीं दिए थे, तो वो चीज आप रिकॉर्ड कर देते हैं एज अ लायबिलिटी। अब क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, ये वही बात है, आपको किसी के 10 लाख पे करने थे, आपने 9 लाख पे कर दिए फॉरन उसके बाद, तो 9 लाख पे करने का मकसद क्या है भाई, आपने 9 लाख पे कर दिया, अपनी 9 लाख से अपनी ऑब्लिगेशन को आपने डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो here it is, when liabilities decrease, तो ये एक बात फैक्ट हो गई कि एक चीज रिकॉर्ड हो रही है क्रेडिट साइड पे, तो दूसरी चीज रिकॉर्ड लाजमी हो रही है डेबिट साइड पे, भले ही कोई डिक्रीजिंग इफेक्ट हो या इंक्रीजिंग हो या एक इंक्रीजिंग हो या एक डिक्रीजिंग हो, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, सही है। फिर आ जाइए एक एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं जरा, इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड डिक्रीज इन एसेट, ठीक है, कैसे हो रहा है जरा देखिए इस चीज को, देखिए पेड कैश फॉर द सैलरीज और एनी अदर एक्सपेंस, किसी एक्सपेंस के लिए अगर आप पे करें पैसा, तो इसका ट्रांजेक्शन में इसका क्या इफेक्ट आएगा, यानी कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में इसको हम क्या बोलेंगे, देखें पहले मैंने एग्जाम्पल दी, बोथ इफेक्ट्स आर इंक्रीजिंग, वो मैंने बता दिया, बोथ इफेक्ट्स आर डिक्रीजिंग, वो भी बता दिया, अब ये तीसरी एग्जाम्पल है, वन इज इंक्रीजिंग एंड अनदर इज डिक्रीजिंग, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड डिक्रीज इन एसेट कैसे हो रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। पेड कैश फॉर सैलरीज और फॉर एनी अदर एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल सैलरीज की बात कर रहे हैं, तो सैलरी एक्सपेंस के लिए पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि सैलरी इज एन एक्सपेंस, जब आप सैलरी रिसीव करते हैं तो इट इज एन इनकम, लेकिन जब आपको किसी को सैलरी पे करनी होती है तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, ठीक है, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो द रूल सजेस्ट इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। अच्छा मजे की बात, पे क्या कर रहे हैं, पेड कैश, कैश यानी कि आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, तो कैश जाने का मकसद क्या हुआ, डिक्रीज इन एसेट, ठीक है, वहां पे था इंक्रीज इन एक्सपेंस यानी कि सैलरी के लिए पे कर रहे हैं आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहे हैं, तो इट इज इंक्रीजिंग योर सैलरी, इज इंक्रीजिंग द एक्सपेंस इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, और पे किससे कर रहे हैं, कैश से, तो कैश इज एन एसेट, कैश आपके बिजनेस से जा रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है, एंड वेन एवर एन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये भी एक बात यहाँ पे फैक्ट हो गई कि चाहे ट्रेंड कुछ भी हो, चाहे दोनों इंक्रीज हो रहे हों, दोनों डिक्रीज हो रहे हों, एक इंक्रीज हो या दूसरा डिक्रीज हो, हमेशा हमेशा one thing will be recorded on the debit side and another will be recorded on the credit side,
तो ये है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। इनकी रेलेवेंस है 5 फाइनेंशियल एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स, जिसमें मैंने आपको बता दिया, जिसको हेड्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं वो आपको पता होने चाहिए, उनके नाम आपको एग्जांपल्स के साथ पता होने चाहिए, क्योंकि हमेशा कभी भी एसेट ऑनर इक्विटी लायबिलिटी इस नाम से कोई चीज नहीं आती है, हमेशा उसकी क्लासिफिकेशन या एग्जाम्पल के नाम से आती है। तो अगर बच्चे को क्लासिफिकेशन या एग्जाम्पल का मालूम ही नहीं होगा तो आप कैसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, ठीक है। सही, एक और यहाँ पे एक चीज है, नॉर्मल बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। नॉर्मल बैलेंसेस का मकसद यहाँ पे ये है कि नॉर्मली अकाउंट्स एसेट्स, ये जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स है, वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एज द नेम सजेस्ट, एसेट होगा जब नॉर्मली वो किस फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, यानी कि अगर आप गौर करें, यानी कि एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट में। सिमिलरली रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट में, सही है। एंड द लास्ट, ऑनर्स इक्विटी जब भी इंक्रीज होती है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट में। अच्छा, यहाँ पे आप गौर करिएगा, नॉर्मल बैलेंसेस का मकसद यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि जब भी एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्रीजिंग ट्रेंड आता है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो नॉर्मल बैलेंस उनका पाया जाता है एसेट्स का डेबिट में, एक्सपेंसिस का भी डेबिट में, बाकी लाइबिलिटीज, रेवेन्यूज और ऑनर्स इक्विटी का क्रेडिट साइड, और बाकी डिक्रीजिंग का तो मैंने आपको रूल्स में ही बता दिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, वी विल प्रैक्टिस तो सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी एक दो जरा एग्जांपल्स को और देखते हैं। ये देखें, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू। अब इसको जरा इससे रेलेवेंस बनाए, बोथ इफेक्ट्स आर इंक्रीजिंग हियर, ठीक है। इसकी ट्रांजेक्शन उन्होंने क्या दी हुई है कि रिसीव्ड कैश फॉर कमीशन और एनी अदर एक्सपेंस, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज थी जिस चीज के लिए आपने इन रिटर्न आपने पैसा रिसीव किया है। तो यहाँ पे देखें, फिर वही बात, दो ट्रेंड हो रहे हैं, दो चीजें हो रही हैं, दो इफेक्ट हो रहे हैं, रिसीव्ड कैश फॉर कमीशन। अब यहाँ से इसको जरा रेलेवेंट बनाइए, रिसीव्ड कैश का मकसद ये है कि कैश बिजनेस में आया है, ठीक है। यानी कि एसेट इंक्रीज हुआ है, कैश इज एन एसेट, एसेट इंक्रीज हुआ है तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। अच्छा, किस लिए पैसा वसूल किया है, फॉर कमीशन। कमीशन मैंने जैसे पहले बताया था, इट इज द फॉर्म ऑफ अ रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ आप जरा गौर कीजिए कहाँ फॉल करेगा, हाँ ये देखें, व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेस, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन को भी देखें, टू फोल्ड इफेक्ट आ गया, एक हमेशा कोई बात नहीं, यूनिवर्सल रूल इज वन विल बी ऑन द डेबिट साइड एंड वन विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। यानी कि कैश रिसीव कैश फॉर कमीशन इनकम, तो कैश रिसीव हुआ, कैश इज एन एसेट, इंक्रीज हुआ तो डेबिट। और फॉर व्हाट रीजन हमने कैश रिसीव किया, द रीजन इज कमीशन, तो कमीशन इटसेल्फ इज अ रेवेन्यू, एंड व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। सो हियर इट इज डेबिट क्रेडिट, सही है। अच्छा, एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन आए तो सबसे पहले, इट इज वेरी अंडरस्टूड, हम हमेशा हमेशा डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। कुछ बच्चे ये भी गलती कर रहे होते हैं, जब वो शुरुआत में पहले पहले दफा अकाउंट पढ़ रहे होते हैं तो वो पहले क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं फिर डेबिट को, ठीक है। अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाए तो वो होगा तो इक्वली, ठीक है। लेकिन एक जनरल एक चीज है कि भाई, फॉर एग्जांपल, अगर हम सीरियल नंबर डालते हैं तो हमेशा सीरियल नंबर 1 से शुरू होता है, ऐसा नहीं होता कि 5, 4, 3, 2, 1, 10, 11, 12, कभी भी सीक्वेंस आउट नहीं होता, ठीक है। तो सीक्वेंस सजेस्ट या सीक्वेंस डिमांड कि हमेशा सबसे पहले डेबिट साइड रिकॉर्ड होनी चाहिए, फिर क्रेडिट होनी चाहिए किसी भी ट्रांजेक्शन की, ठीक है। इसी तरह एक लास्ट एग्जाम्पल इससे मैं दे दूँ आपको, इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये एक फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब देखें, दोनों में इंक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन फिर वही बात, एक चीज रिकॉर्ड होगी क्रेडिट साइड पे और एक चीज रिकॉर्ड होगी डेबिट साइड पे। देखें, इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन लायबिलिटी कैसे होगा, एक्सपेंस वॉज ड्यू, अक्रूड बट नॉट गेट पेड। अब इसको आप जरा रेलेवेंस बनाइए, तो मैंने आपको एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज में एक चीज बताई थी, सॉरी लायबिलिटीज में जो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अक्रूड अनपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, ठीक है। ऐसे एक्सपेंसेस जो इनकर भी हो गए, उनका टाइम, उनका मुद्दत आगे भी चली गई, लेकिन अब तक आपने पे नहीं किया, सो नाउ दे आर नॉट जस्ट एक्सपेंस बट दे आर कन्वर्टेड इनटू अ लायबिलिटी। भाई टाइम गुजर गया, एम्प्लॉयज को 6 महीने से सैलरीज नहीं दे रहे हो, तो ये आपके लिए अब सिर्फ एक एक्सपेंस नहीं है, नाउ इट इज योर लायबिलिटी, 6 महीने हो चुके हैं। सिमिलरली यूटिलिटीज की अगर मैं बात करूँ, भाई यूटिलिटी एक्सपेंसेस आपके पास 1 साल के आपके अनपेड है, तो अब आपके लिए वो सिर्फ एक्सपेंस नहीं है, अब आपके लिए वो एक लायबिलिटी भी है, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीजों में इंक्रीजिंग ट्रेंड है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो ये कहलाएगा, ये इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड,
ठीक है, साइमल्टेनियसली लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, सो इट इज इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, सही है। अब आपको करना ही होगा कि जब भी आप ये रूल्स एंड डेबिट क्रेडिट पढ़ें तो ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में बिजनेस ट्रांजेक्शन की फॉर्म में आप इसको पढ़ना शुरू करें ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल बैलेंस बता दिया। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसको मैं सिंपल इस तरह बता दूंगा कि भाई ये चीज है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, यानी कि जितने भी बिजनेस के असासे हैं वो हमेशा बिजनेस के कर्जों और मालिकाना हुकूक जितने भी किसी भी ऑनर के होंगे उसके इक्वल होंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल एक पहले तो इसको एक दफा और सुन लीजिए, एसेट्स विल ऑलवेज इक्वल टू द लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, कैसे वो ऐसे, इसकी एग्जांपल आप ले लीजिए कि भाई ऑनर ने, लेट्स सपोज ऑनर ने अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑनर इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज इन द बिजनेस एंड ऑब्टेन 4 लाख रुपीज लोन फॉर द बिजनेस। अब ये लोन कहीं से भी लिया जा सकता है, बैंक से, पर्सनल बंदे से, किसी से भी, ठीक है। फाइंड द एसेट्स, ठीक है, तो अगर आप यहाँ गौर करें, एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, 2 लाख रुपए का कैपिटल यानी ऑनर इक्विटी था तो यहाँ मेंशन कर दिया, यानी कि 2 लाख रुपीज। सिमिलरली 4 लाख रुपीज आर ऑफ द लोन फॉर द बिजनेस, लोन इज कैटेगराइज एज व्हाट, एज अ लायबिलिटी, ठीक है, तो लायबिलिटी 4 लाख आ गई, तो 4 लाख प्लस 2 लाख विल मेड 6 लाख रुपीज ऑफ एसेट, यानी कि अब आप टोटल जब कम्युनिकेट करेंगे अपने बिजनेस की फॉर्म में, अब भले आपके बिजनेस में 4 लाख रुपए का उधार आपने लेकर फर्नीचर वर्नीचर डाल लिया, सब कर लिया, लेकिन नाउ इट विल बी रिगार्डेड एज एन एसेट, ठीक है। इक्वेशन की फॉर्म में जब भी पूछा जाएगा, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, दिस इज द रूल, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से भी बता दिया, 2 लाख का अपना पैसा, 4 लाख रुपए का लोन, लेकिन इन सबको मिला के जो बनेगा वो बनेगा एसेट्स, ठीक है। जब भी बिजनेस को कम्युनिकेट करेंगे आप तो इस तरह करेंगे, चाहे आपके बिजनेस में कितना भी उधार हो, आपके कितने भी पैसे कम हो या ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता, अकाउंटिंग इक्वेशन जब भी बनेगी तो इसी तरह बनेगी। अब इंशाल्लाह हम जो फर्दर कंटिन्यू करेंगे लेक्चर, तो वो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन से ही रिलेटेड होगा, सही है।